सभी को नमस्कार। जो लोग हमको प्लैनेट टॉक और मल्टीपल एजुकेशन विद्या भारती के पेजेस पर देख रहे हैं, सभी लोगों को सादर नमस्कार। हम एक पूर्व छात्रों की कड़ी में एक 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 अगली सीरीज, एक अगला पार्ट आज आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। इससे पूर्व में भी हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बात की है, मेडिकल इंडस्ट्री के और इंजीनियर, डॉक्टर्स, और आज भी जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, एक उनको लंबा एक एक्सपीरियंस है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। हम लगभग 1,35,000 स्टूडेंट्स को पूरे विद्या भारती उत्तराखंड में पढ़ाते हैं, विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, उन सब के छात्र कैसे श्री सौरभ जी का गाइडेंस ले सकते हैं, और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे कोविड ने टेलीकॉम को इम्पैक्ट किया है या वो तो प्रॉफिटेबल हुआ है, वो सब चीजों को लेकर आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। 5G को लेकर एक कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कंफ्यूजन है, उन सब को लेकर वो हमें बहुत क्लियरिटी से वो पीछे बताने वाले हैं। उससे पूर्व मैं आपको श्री सौरभ जी का परिचय करा देता हूँ। आप शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में आपकी शिक्षा हुई है, और उसके पश्चात आप 2004 से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में डिग्री करके टेलीकॉम में आपने अपना करियर का शुरुआत की, और वर्तमान में आप भारतीय एयरटेल के DGM के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले आप जियो, एयरसेल, आइडिया जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, मूल रूप से आप हरिद्वार में हैं, और लगभग 2 दशकों से विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आपने काम किया है। विदेशों में लगभग 4 साल रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया, केनिया, कुवैत, दुबई जैसे देशों में रहकर आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया है। श्री सौरभ जी, इस वेबिनार में, इस प्लेनेट टॉक का वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपने एक हेक्टिक शेड्यूल में से इस सेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, विद्या भारती के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जी धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं गुरु पूर्णिमा पे आपके माध्यम से अपने सभी गुरुओं को भी नमन करना चाहता हूँ। सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज आपने बुलाया इस पवित्र समय पे, दिन में हम चर्चा कर रहे हैं। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक अच्छा विषय है कि आज गुरु पूर्णिमा है, और इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था इस सत्र के लिए। सौरभ जी, हम एक ऑफिशियल शुरू करते हैं कि आप दूर संचार से जुड़े हैं लंबे समय से, इतने देशों में आपने काम किया है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने काम किया है, तो क्या लगा पिछला ये जो कोविड वेव 1 गया है, 2 गया है, एजुकेशन में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, उत्तराखंड में इतना उपयोग हुआ, परंतु पहाड़ों की थोड़ी सी समीक्षा भी की जा सकती है, क्या कुछ विभिन्न प्रकार की चीजें हो सकती थी क्या, क्योंकि बच्चों को जहाँ मोबाइल थे वहां शायद लोगों को डेटा की कमी पड़ी, क्योंकि रिसोर्सिस कम थे तो मल्टीपल रिचार्ज नहीं हो सके, परंतु एजुकेशन तो पूरा टेक्नोलॉजी पर सिमटी थी, पूरा आपके नेटवर्किंग पर सिमटी थी। तो क्या आपको एक्सपीरियंस रहा पिछले पिछले पूरे साल का, पूरे कोविड के दौरान का? देखिए, एक्सपीरियंस तो कोविड का अभिषेक जी बहुत ही अलग अलग तरीके के अनुभव आए हैं। आपको पता है कि 1.5 साल में, पिछले मार्च से अभी तक 1.5 साल में पूरी दुनिया में कोविड ने हाहाकार मचाया है और सभी लोगों को बड़े खराब अनुभव रहे हैं। और वो जो खराब अनुभव रहे हैं, उन खराब अनुभवों में टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी उसको झेला है। सभी इंडस्ट्रीज ने झेला है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री ने भी उसको झेला है, वो भी अछूती नहीं रही है। समस्याएं जो सामान्यतया टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई, हमारे जैसे और भी ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं जो कि, और पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि, बहुत से उनमें ऐसे लोग भी हैं जो फील्ड फोर्स की तरह से काम करते हैं, सेल्स के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में जाके काम करते हैं। आपने देखा कि पिछले 1.5 साल से लगातार लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग काम नहीं कर पाए। फील्ड में जाना एक अपने आप में चुनौती थी, एक्सेस करना, उन जगहों पे जाना जहाँ पे कि जी वो सुनिश्चित करना कि वो 100% चले, 24 घंटे चले, जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चूंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन में बहुत सी जगहों पे अपनी सुविधा के अनुसार जाना संभव नहीं था,
लेकिन फील्ड फोर्स को लगातार उन टावर्स पे उन फाइबर की मेंटेनेंस के लिए लगातार 100% वो अवेलेबिलिटी रहे ये सुनिश्चित करना होता है, तो वो एक समस्या उस दौरान रही। हालांकि वो समस्या को ग्रेजुअली सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज के नाते टेलीकॉम के जितने एम्प्लॉयज थे उनको एक स्पेशल पास बनाने की सुविधा की, सरकार ने इसमें बहुत मदद की, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा नेटवर्क है, समस्याएं रही हैं, लेकिन उन समस्याओं को जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने इंटेंट को बिल्कुल क्लियर करके कि जो यूजर हमारा है जो हमारी सर्विसेज को प्रयोग कर रहा है उसको हम ये 100% प्रयास करें कि उनको मोबाइल की सर्विसेज समय पे मिले, वो पूरा प्रयास भी किया। तो मेरे को ऐसा लगता है अभिषेक जी बड़ा मिक्स से अनुभव रहे हैं, चैलेंजेस भी रहे हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलके, समाज ने, कंपनियों ने, सरकार ने मिलके इससे उबरने की भी कोशिश की है। जी जी, जैसा कि सौरभ जी कोरोना वेव वन आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट की एक रिसर्च थी कि जो इकोनॉमी है वो वी की शेप में मूव करेगी, कि जिस स्पीड से डाउन आया है उसी स्पीड से अप करेगी। जब कोरोना की वेव टू आई तो इकोनॉमी के खासकर लोगों ने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो डब्ल्यू के शेप में मूव करेगी, कि आप आई है थोड़ी सी ऊपर हुई फिर डाउन आई है लेकिन अब वापस से मूव करेगी। तो आप जो इंडस्ट्री में है, टेलीकॉम में, क्या मुझे लगता है कि डाउन आया है या नहीं आया, तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप उसका, किस प्रकार से आगे बढ़ने वाली है इंडस्ट्री? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कोरोना के टाइम पे क्या अनुभव रहा, कॉमर्शियली क्या क्या चीजें रही, वो तो एक विषय हो गया, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आगे भविष्य में क्या होना है, इसका जो फ्यूचर पाथ है वो क्या है। देखो उसमें है क्या कि कोरोना के समय पे हमने सभी ने देखा कि सब लोगों ने, जो लोग ऑफ लॉकडाउन लग गया, ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सारा पूरा सिस्टम एक तरीके से बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब उसमें बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि माइग्रेशन किया, जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं हरिद्वार में रहता हूं, मैं हरिद्वार में नौकरी करता हूं लेकिन मेरा नेटिव दिल्ली में है, तो मैंने उस समय पे किया कि मैं नेटिव में मूव कर लिया, दिल्ली में मूव कर लिया। इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग थे जो दिल्ली से बिहार में चले गए, बिहार के लोग बैंगलोर में चले गए, बैंगलोर के लोग, तो इस तरीके से एक स्कैटर्ड सिचुएशन बनी। इस स्कैटर्ड सिचुएशन में ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। आपने देखा कि फिजिकल मीटिंग्स, फिजिकल मिलना जुलना सब बंद हो गया, लेकिन सभी लोगों ने अपने अपने काम करने थे, उन काम के लिए हमने ऑनलाइन का माध्यम अपनाया। तो स्वाभाविक रूप से जब हम ऑनलाइन कोई चीज बात करते हैं, जैसे आज भी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है, मोबाइल की सर्विसेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो इस दौरान मोबाइल की कंपनियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, बड़ा महत्वपूर्ण, से अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा थी, और वो अपेक्षाएं इस तरीके से थी कि वो वार फुटिंग पे ऐसे बहुत एरिया जहां पे हो सकता है कल तक इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज जो आदमी दिल्ली से यहाँ आया, वो दिल्ली से अगर कोई बी क्लास सिटी में आया तो उसकी अपेक्षा ये रही कि मैं यहाँ बैठ के अपने घर में काम कर पाऊँ और वो काम उसी तरीके से कर पाऊँ जैसे मेरे को दिल्ली में इंटरनेट की स्पीड मिलती थी, यहाँ भी वो स्पीड मिले। तो वो एक अपेक्षाएं भी रही, उन अपेक्षाओं के आधार पे स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं काम की वृद्धि हुई। सभी कंपनियों ने उसको ये भी देखा कि भाई हम उसको कैसे सभी लोगों को पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट की व्यवस्था लगातार पहुंचे, उसके लिए जो भी एक्सपेंशन करने की जरूरत है वो करें, जो अपग्रेड्स करने की जरूरत है वो करें। तो वो सारी चीजें हुई हैं अभिषेक जी, और इसी सब में जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस आए शुरू में, लेकिन चैलेंजेस के साथ में मिक्स अनुभव भी हुए। बहुत से ऐसे भी अनुभव हुए कि जहाँ पे हमने देखा कि कई शहरों में मोबाइल के कवरेज नहीं थी, कई शहरों में इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, लोग अच्छे तरीके से इंटरनेट का प्रयोग भी कर रहे हैं, मोबाइल की सर्विसेज का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब लोगों ने मिलके ही कर पाए, एक आपदा के अंदर एक अच्छा अवसर ढूंढ के हमने अपने आप को एक अलग तरीके से काम करने के लिए भी ढाला है। ये भी अभिषेक जी एक अलग अनुभव हमको आया है। तो अगर आप इसको देखें तो अच्छा अनुभव भी है, लेकिन अच्छा अनुभव इस प्रकार से है कि हम इस अच्छे अनुभव में अब जो ऑनलाइन माध्यम है, उस ऑनलाइन माध्यम को और बेहतर कैसे कर पाएं, ये एक चुनौती भी है। तो वो चुनौती मिक्स अनुभव है कोरोना काल में अभिषेक जी, इसको हमको और भी देखना है कि आगे इस तरीके के जो अपेक्षाएं और जो समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि अब, चूंकि क्या है कि जब आपने बी क्लास सिटी के अंदर एक अच्छे इंटरनेट की व्यवस्था कर दी, तो सामान्य अपेक्षा ये रहेगी कि ये इंटरनेट सुचारू रूप से लगातार चलता भी रहे।
तो इसमें हम सभी लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब इससे जुड़ता हुआ एक अगला प्रश्न सौरभ जी, यह है कि हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं विद्या भारती, और हमारे विद्यालय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि पूरी शिक्षा भी पूरे नेटवर्क पर डिपेंड थी। कुछ लोगों के प्रश्न यह आए कि क्या सरकारें कुछ इंटरनेट का प्लान, जैसे कुछ ना कुछ फ्री सुविधाएं आजकल हर जगह चलती ही हैं, क्या सरकार कोविड काल में कुछ स्टूडेंट्स को फ्री डेटा मिल सकता है? क्योंकि एक जनरल प्लान में 2 GB, 1.5 GB या 1 GB डेटा होता है, और अगर वो 2 क्लासेस भी ले लें तो वो खत्म हो जाती थी। इस कारण बच्चों के मोबाइल भी अवेलेबल थे बच्चों के पास, कहीं जगह डेटा के कारण वो कुछ शिक्षा नहीं ले पाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस तरफ जाना चाहिए? आपके क्या सुझाव और क्या अपेक्षाएं आपको लगती हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा और डेटा टेलीकॉम को जोड़ते हुए सरकार को क्या फ्यूचर के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सरकार का जो विषय है अभिषेक जी, सरकार ने कोरोना काल में, आप देखेंगे कोरोना एक मेडिकल इमरजेंसी जैसा था, उसमें हर आदमी के सामने ये इतना बड़े चैलेंजेस थे कि हर आदमी को अपना जो काम कर रहा है उसमें एक विशेष प्रकार का अनुभव आने लगा था, एक विशेष प्रकार के चैलेंजेस भी थे। वो चैलेंजेस सारे के सारे जो एग्रीगेट हो रहे हैं वो सरकार के सामने हो रहे हैं। सरकार अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल सर्विसेज को एक एसेंशियल सर्विसेज मान के सरकार ने स्पेशल पास की व्यवस्था भी की। सरकार ने देखा कि भाई हम किस तरीके से मोबाइल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाएं और लगातार ये पहुंचती रहें, इसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। आपने देखा होगा कई प्रतिबंधों के आधार पे बहुत से ऑफिसों को खोलने का भी निर्णय लिया, जिसमें जिसमें कि टेलीकॉम की कंपनियों के ऑफिसेज भी खुले हैं, प्रतिबंधों के आधार पे खुले हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि हमारा सोसाइटी के नाते भी ये कर्तव्य है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, कोविड के जो नियम बनाए हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि हमें मास्क लगाना है, हमें उचित दूरी रखनी है, हमको भी एक सोसाइटी के सामान्य नागरिक के नाते ये कर्तव्य भी बनता है कि हमको भी उन नियमों का भी पालन करना है। जैसे हम सरकार से अपेक्षाएं कर रहे हैं कि वो हमको राहत दें, वो हमको और अलग और किस किस तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस तरीके से हमारी भी पैरेलली ये अपेक्षा भी रहती है। हमारी भी ये एक कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए कि हम उन नियमों का पालन करें। सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। निश्चित रूप से इतना बड़ा देश है, 130 अरब, 130 करोड़ लोगों का देश है, जिसके अंदर में हमको सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी होनी हैं। मेरा ये सरकार से अपेक्षा भी है कि जिस तरीके से आज तक सरकार ने हमारा सहयोग किया है, भविष्य में भी सरकार इसी तरीके से हमारा सहयोग करती रहेगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैं एक टेलीकॉम के ही काशीपुर के पूर्व छात्र हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कुछ डीएम या एसएसपी या कोई, मतलब जो कोई प्रशासनिक पद होता है, वो लोग अगर हमारे साथ बैठे तो हमारे पास डेटा के इतने अच्छे अच्छे प्लान है। वो कह रहे थे कि हमने कोविड के टाइम में पुलिस आई थिंक था को उनको हमने 99 रुपए में महीने का शायद पर 2 GB, तो इस प्रकार के चीजें हो सकती हैं। पर उसके लिए हम डेटा कंपनीज के साथ या डेटा का जो फ्लो आगे करते होंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, उसके साथ प्रशासन को अच्छे तालमेल की जरूरत है। तो ऐसा उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। इस पे मैं आपके कमेंट बाद में लूंगा। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ सौरभ जी। हम लोग पुनः एक हमारे बच्चे 11th 12th में पिछले 2 सालों से इस बार तो प्रमोट किया, एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, टॉपर्स जितने भी उत्तराखंड के होते हैं मेरिट में लगभग अपने विद्यालयों से बिलोंग करते हैं। अगर छात्रों को फ्यूचर टेलीकॉम इंडस्ट्री में बनाना हो तो आपको आपकी क्या राय रहेगी? अगर बनाना है तो ये फ्यूचर उस किस प्रकार से कितना अच्छा है, और अच्छा है तो क्या उनको पाथ लेना चाहिए, और अगर पाथ भी लेना है तो इस समय में कैसे वो तैयारियां करें? देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने देखा है कि अगर हम याद करेंगे तो ये एक सामान्य कॉल से स्टार्ट हुआ, जिसको हम 2G कहते थे। उसके बाद में 3G आया, 3G में हमने इंटरनेट भी यूज करना शुरू करा। उसके बाद 4G आया, उस 4G में हमने वीडियो कॉल्स भी करनी शुरू करी। इंटरनेट हम मोबाइल पे ही मोबाइल मूवी देख लेते हैं, बड़े बड़े वीडियोस देखते रहते हैं, ये सारा चीजें चलती हैं। तो भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी 5G आ रहा है, 5G में भी बहुत सारी अपेक्षाएं सोसाइटी की भी हैं और इंडस्ट्री की भी हैं। वो एक विषय अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, मेरा कहना ये है कि
सामान्यतया ये इंडस्ट्री में भी सभी प्रकार के लोग काम करते हैं, फाइनेंस के लोग भी काम करते हैं, सेल्स के लोग भी काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के लोग भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक चीज से के लोग ही इसमें आ सकते हैं। ये इंडस्ट्री सभी लोगों के लिए खुली है। जो लोग सेल्स की स्किल को रखते हैं वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जो 10th 12th में है, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपना इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता हूं, तो वो बीटेक कर सकते हैं, वो डिप्लोमा कर सकते हैं। वो डिप्लोमा करने के बाद में वो नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड नेटवर्क की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, बड़ी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बहुत सारी, लाखों लाखों लोगों को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी एक एक स्किल है, सेल्स भी एक बहुत बड़ा स्किल है जिसके अंदर में सेल्स फोर्स हमारी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम कर रही है। तो ऐसे लोग जो सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो 10th 12th करके BSc कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, उसके बाद उसको MBA कर सकते हैं, MBA करने के बाद में वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फाइनेंस के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत से CA भी काम करते हैं, MBA इन फाइनेंस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। सो वो भी एक अच्छा करियर का माध्यम बन सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्किल्ड ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हमको लगते हैं, जैसा कि जो हमने एक मोटा मोटा चर्चा करी, इन माध्यमों में अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपना करियर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बनाना चाहता है तो उसका स्वागत है। निश्चित रूप से उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेलीकॉम में। वो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज को करें, स्किल्ड कोर्सेज को करें, जो कि आसान हो जाएगा उनको अपना सुनहरा भविष्य टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पर फ्यूचर में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो खासकर इंटरेस्ट है आपके साथ कोशिश करेंगे कभी समय लेकर आपसे सीधा वो प्रश्न कर पाए कि कैसे उनको करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न जो आपने उसका इस क्वेश्चन में उपयोग भी किया, 5G, और रिसेंटली जियो की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें भी उसका एक लॉन्च हुआ है कि भाई उसकी टेस्टिंग कुछ MNCs में शुरू होगी ऐसा, लेकिन उसको लेकर बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं। इस बीमारियों को लेकर भी है कि उससे ये चीजें हो जाएंगी, उससे ये हो सकता है, बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैली हैं। तो इस पूरे विषय को लेकर अगर आप अपनी राय रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी अभिषेक जी, 5G के बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी बहुत से लोग, कोरोना काल के समय पे भी इस तरीके की न्यूज आई कि क्योंकि 5G की टेस्टिंग हो रही है तो 5G की वजह से बहुत कोरोना फैल रहा है, लोगों को बुखार हो रहा है। बहुत से लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जी मैं गाड़ी से निकलता हूँ तो मेरे को करंट लगता है, वो भी 5G की वजह से है। चूंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, हमारे को इन चीजों का पता रहता है। पता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को नहीं रहता है, लेकिन चूंकि जो आदमी जिस फील्ड में काम करता है उसको उस फील्ड के बारे में ज्यादा पता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। उत्तराखंड में आज की तारीख तक कोई 5G की टेस्टिंग नहीं हुई। तो ये एक आपको फैक्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार इस तरीके की भ्रांतियां हमारे दिमाग में ऐसा स्वरूप ले लेती हैं कि भाई वास्तव में 5G की वजह से या रेडिएशन की वजह से हमारे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5G जिन जगहों पे 5G की टेस्टिंग हुई नहीं वहां पे 5G की वजह से आदमी बीमार कैसे हो सकते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि पूरे देश में गिने चुनी जगहों पे 5G की टेस्टिंग हुई है, ज्यादातर वो लैब में हुई है। तो ऐसा कह देना कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में 5G की वजह से लोग मर रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, या लोगों को बुखार हो रहा है, या गाड़ियों में करंट लग रहा है, ऐसा मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसको सिद्ध करना और भी मुश्किल लगता है। तो जैसा हमने कई एग्जाम्पल अभी देखे कि कुछ लोगों ने केस किए लेकिन केस करने के बाद भी उनको वो सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मानना तो कठिन है लेकिन मानने के बाद में सिद्ध करना उससे भी ज्यादा कठिन है। अब हो क्या रहा है कि अगर हम आपको टेक्निकली उस चीज को समझाने की कोशिश करें तो एक रेडिएशन पैटर्न है जो कि रेडियो में, माइक्रोवेव में, इलेक्ट्रिसिटी में और मोबाइल टावर्स में यूज होता है। एक रेडियो पैटर्न है जो आपने देखा होगा, हम जब एक्सरे कराने जाते हैं, MRI कराने जाते हैं, एक ये रेडिएशन है ना। दो तरीके की दुनिया में रेडिएशन है, एक वो जो शरीर को नुकसान करती है, एक वो जो शरीर को नुकसान नहीं करती है। जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है वो अभी तक इस तरीके का कोई सिद्ध नहीं हो पाया कि वो शरीर को नुकसान करती है। वही स्पेक्ट्रम जो है वो 5G में भी यूज होना है।
अब विषय आता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, और अगर करते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। अब मैं आपको इसके नुकसान बताता हूँ। हमने जैसा भी डिस्कस किया कि 2G 3G 4G तक हम पहुंच गए, और जो जर्नी शुरू हुई 2G की एक सामान्य कॉल से, जिसमें कि बहुत से लोग उसको प्रयोग भी नहीं कर पाते, इतना महंगा उसकी कॉल रेट थी। आज हम 4G पे पहुंच गए। आप वो 2G की कॉल रेट देखो, मेरे को याद है इनकमिंग में भी 9-9 रुपए हमको पैसे देने पड़ते थे। अब अगर हम मोटा मोटा देखें, पूरी दुनिया में स्पेशली हिंदुस्तान हमारे देश में, ऐसी एक चीज बताइए जिसका रेट घटा हो। दालों के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, मोबाइल और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, उनके रेट बढ़े हैं। अगर आप कोई भी चीज को देखेंगे तो मोटा मोटा सब चीजों के रेट बढ़े हैं। टेलीकम्युनिकेशन के कॉल रेट जो है वो सस्ते हुए हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, कंपनियों के भी खर्चे बढ़े हैं, लेकिन समाज ने वो, समाज के लिए वो जो रेट, वो जो खर्चा है वो बढ़ा है, वो घटा है। अब उसी तरीके से जब ये घटा है और हम ये चाहते हैं, आज हम देखेंगे एसेंशियल सर्विसेज के लिए हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें बिजली का कनेक्शन लेते ही लेते हैं, पानी का कनेक्शन लेते ही लेते हैं, है ना, गैस का कनेक्शन लेते ही लेते हैं। इसी तरीके से आज आप देखेंगे तो हर घर में मोबाइल का कनेक्शन है ही है, हर घर में। जो बड़े लोग हैं, कम से कम बड़े लोग तो है ही हैं, या वो जो 17-18 साल के भी बच्चे हैं उनके पास भी मोबाइल है, तो हर घर में 3-3, 4-4, 5-5 मोबाइल है। इतना बड़ा एसेंशियल सर्विसेज का ये सेक्टर है। अब जब इतना बड़ा एसेंशियल सर्विस का ये सेक्टर है तो हमारे को कुछ भ्रांतियों से भी दूर रहना पड़ेगा। वो भ्रांतियों से दूर रहने का कुछ कारण बताता हूँ। अगर हमारे को एक घर में 5 मोबाइल यूज करने हैं तो सामान्यतया वो 5 मोबाइल में कवरेज आनी चाहिए। वो 5 मोबाइल में कवरेज आने की अपेक्षा तो हमारी रहती है, लेकिन जब कोई मोबाइल कंपनी आके हमारे घर के आसपास या हमारे घर में टावर लगाती है या हमारे एरिया में फाइबर की ले करती है तो हम उसको मना करते हैं। तो दोनों पक्ष हैं। देखिए, आपको पक्ष को समझने की जरूरत है कि अगर हमने अच्छी कवरेज चाहिए, अच्छे मोबाइल की सर्विसेज चाहिए, हमको वाईफाई चाहिए, हमको इंटरनेट चाहिए, तो वहां पे हमको फाइबर भी ले करने देना पड़ेगा। समाज की हमारी ये पैरेलली जिम्मेदारी है कि एसेंशियल सर्विसेज को हमें बेहतर चाहिए। समाज के भले के लिए वो चीज है, ठीक है, हम उसका पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे भले के लिए है। अगर वो भले के लिए, हमको भी कंपनियों की मदद करनी चाहिए, इस दृष्टि से करनी चाहिए कि जो ये एसेंशियल सर्विसेज हैं ये हमें टाइम पे पहुंचती रहें, बेहतर से बेहतर होती रहें। 5G के अंदर भी यही होने वाला है। आप देखेंगे कि 5G के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है, जिसके अंदर में 5G में हम बड़ी बड़ी मूवी को तुरंत कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में डाउनलोड कर सकेंगे। एक लंबी लंबी वीडियो कॉल्स हम कर सकेंगे, जैसे हालांकि अभी भी 4G में करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है। IoT आने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। हम ऐसी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि ये भी संभव है कि हम अपने ऑफिस में बैठ के घर के AC को ऑन कर सकें ऑफिस से बैठ के, जिससे कि हमें ऑफिस से घर में आने में जो समय लगे तब तक वो AC चल जाए। ये भी अपेक्षाएं कर रहे हैं कि जो घर की फ्रिज है या घर की और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी हम दूर बैठे उसको प्रयोग कर सकें, ऑन ऑफ कर सकें। कई बार ऐसा हुआ, हम घर से निकल गए, हम लाइट बंद करना भूल गए, है ना। तो लेकिन क्या हम ये अपेक्षाएं करें, सोच के देखिए कि हम घर से निकल गए और हम वहां बैठ के अपने घर की लाइट बंद कर सकें। तो ये सब चीजें अगर हमारे को चाहिए, इन सब चीजों को हमको प्रयोग करना है, बेहतर ढंग से प्रयोग करना है, तो हमको भी ये चाहिए होगा कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, सरकार है, सरकार की एक TRAI, एक इतनी बड़ी संस्था है जो ये सारा इंश्योर करती है कि रेडिएशंस ना हो, किस तरीके के रेडिएशंस के खिलाफ क्या गाइडलाइन बनानी है, वो गाइडलाइन सारी कंपनियां कंप्लाई करे, वो कंप्लाई नहीं कर रही है तो उसकी बड़ी से बड़ी पेनल्टी लगानी, ये सारे विषय इन प्लेस हैं। तो हमारे को इस भ्रांतियों से थोड़ा सा हटके रहना पड़ेगा। 5G की वजह से कोई कोरोना नहीं फैल रहा, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर अगर इस तरीके की चीजें हमारे को आती हैं तो जो लोग जानकार हैं उनसे हमको बात करनी चाहिए। उस विषय में अगर कोई जानकारी लेनी है तो हम ऑफिशियली भी इस तरीके की जानकारी सरकार से ले सकते हैं, TRAI से ले सकते हैं, रिस्पेक्टिव कंपनी में रिक्वेस्ट करके उसको समझ सकते हैं। आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनसे टेक्निकली समझ सकते हैं, जिससे हमको भी समझ में आएगा, हम लोगों को भी समझा पाएंगे, आसपास के अपने रिश्तेदारों को भी इस चीज को समझा पाएंगे कि ये एसेंशियल सर्विस है। तो इस एसेंशियल सर्विस के लिए हमको भ्रांतियों की बजाय वास्तविक सच्चाई में रहना चाहिए। जी सौरभ जी, आपने 5G से लेकर स्टूडेंट्स के फ्यूचर की टेलीकॉम में इंडस्ट्री, गवर्नमेंट से अपेक्षाएं और कोविड के, और खासकर किस प्रकार से इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है, बढ़ रही है, सब विषय को लेकर एक लिमिटेड समय में अपनी राय रखी।
और बहुत क्लियरिटी से आपने अपना पूरा विषय, जो सभी ऑनलाइन यूजर्स भी देख रहे हैं, उनको भी समझाया। और इस सेशन के लिए, इस वेबिनार के लिए, आपको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे, जैसे ही कुछ स्थितियां अनुकूल हों, आप कुछ करियर काउंसलिंग के नाते आपको हम इनवाइट करें पुनः। आपने पुनः इसके लिए, सेशन के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।